चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं स्पीड न्यूज की ओर। काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी तुर्की को, अमेरिका भी सहमत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन के बीच हुई बैठक, बात पर बनी सहमति। तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। फॉलो ऑन खेलने उतरी भारतीय महिला टीम को शेफाली वर्मा ने एक बार फिर से शानदार शुरुआत दिलाई। शेफाली वर्मा अगर हो जाती है चौथे दिन बड़ी पारी खेलने में कामयाब तो टल सकता है इंडिया के ऊपर मंडरा रहा हार का खतरा। चीन के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस का हत्या की संभावना से इनकार। साइंटिस्ट झांग झीजियान चीन के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट में से एक। 51 साल के हुए राहुल गांधी सेवा दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिन मना रही है कांग्रेस। एनएसयूआई और आईवाईसी करेंगे फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचसीआर को दिए जांच के निर्देश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाने के निर्देश। हाईकोर्ट में 30 जून को मामले की अगली सुनवाई। कृषि मंत्री तोमर बोले किसानों से बात होगी लेकिन कानूनों पर नहीं। टिकैत ने बताया सरकार का साहूकारी अंदाज। सरकार और किसान संगठन बीते करीब 7 महीने से आमने सामने, कई किसान दिसंबर से राजधानी दिल्ली की सीमा पर जमे हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज फैसला आने की उम्मीद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए संकेत। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा को कर दिया गया था रद्द। पंजाब के रोपड़ में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। यहां पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 74 दिनों बाद कोरोना एक्टिव मामले सबसे कम, 24 घंटे में 1,647 संक्रमितों की मौत। भारत में अब कोरोना एक्टिव मामले 8,00,000 से कम, अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा एक्टिव केस। आगरा के पारस हॉस्पिटल में मौत का मॉक ड्रिल चलाने वाले संचालक अरिंजय जैन को क्लीन चिट। जांच में कुल 16 लोगों की मौत सामने आई, अरिंजय जैन के अनुसार रिपोर्ट एक तरफा बनाई। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन, 55,00,000 लोगों को होगा फायदा। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा, वेतन में वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी। उत्तराखंड में बारिश का कहर, अलकनंदा नदी में बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची अलकनंदा नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी, अब सोना प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए के पार, 222 रुपए की तेजी के साथ 47,180 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत 981 रुपए की तेजी के साथ 68,580 रुपए प्रति किलो। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की मोजी विहार में सीलिंग कार्रवाई, 2 भूखंडों को मिलाकर खड़ी की 5 मंजिला इमारत, 0 सेट बैक पर बना दिए 32 फ्लैट्स। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गोधा का निधन, दुर्लभ जी अस्पताल में चल रहा था गोधा का ट्रीटमेंट। 24 अप्रैल से दुर्लभ जी अस्पताल में चल रहा था इलाज, कोविड के बाद जूझ रहे दूसरी अन्य बीमारियों से। समाचार जगत के प्रकाशक व संपादक है राजेंद्र गोधा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, दुबई से आए एक यात्री से 350.46 ग्राम सोना बरामद। ट्रोली बैग में तार के रूप में लपेटा हुआ था सोना, माउथ ऑर्गन, हेयर स्ट्रेटनर, कीचेन और पैरों की क्लिप में भी छुपाया हुआ था सोना, लगाया हुआ था सफेद रोडियम। उदयपुर में मनचले की हरकत का भीड़ ने किया इंसाफ, सरे रहा सैकड़ों लोगों ने की मनचले की पिटाई, युवती ने भी मनचले को चप्पलों से पीटा। डबोक थाना इलाके में नांदवेल के पास की घटना, राह चलती युवती से मनचले ने की थी छेड़छाड़। 91 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गए फ्लाइंग सिख, पीजीआई चंडीगढ़ में निधन, कोरोना नेगेटिव आने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जताया दुख। पहली बार बायोपिक फिल्म में काम करेंगे सलमान खान, एक बार फिर से जासूस की भूमिका में नजर आएंगे सलमान। इस बार एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म में करेंगे काम, देश के सबसे मशहूर जासूस रविंद्र कौशिक का निभाएंगे किरदार। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल, पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, विधानसभा चुनाव पर मंथन संभव। शेखर सुमन की मां का निधन, ट्वीट कर लिखा मैं अनाथ और बिखरा हुआ,
महसूस कर रहा हूं। उनका कहना है कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपनी मां को याद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को उनकी मां के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद दिया। झुंझुनू में नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा द्वारा शुरू किए गए पौधारोपण अभियान में झुंझुनू पुलिस भी पूरा सहयोग देगी। प्रधान दिनेश सुंडा ने एसपी मनीष त्रिपाठी से मुलाकात की और अभियान की जानकारी देते हुए सहयोग मांगा। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग की चोरी की वारदात का चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से शिवलिंग बरामद कर लिए। झुंझुनू के बुहाना इलाके के पचेरी कला से गुंती जाने वाले रास्ते पर बन रही सड़क पर रातों रात ब्रेकर बनाने का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। क्षेत्र के लोगों ने इस ब्रेकर को हटवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में परमहंस पंडित गणेश नारायण मार्ग स्थित गायत्री शक्तिपीठ की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें कस्बे के युवा कार्यकर्ता संदीप हिम्मत रामका को युवा प्रकोष्ठ के साथ साथ वित्त और सूचना प्रभारी भी बनाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में आबकारी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। अवैध शराब के मामले में जिस व्यक्ति को आबकारी पुलिस ने आरोपी माना है, वही व्यक्ति चिड़ावा थाने पहुंचा और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की गुहार लगाई। चोमू के निवाड़ा गांव में पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या करीब 8 साल से बनी हुई है। वहीं 4 साल पहले डाली गई पाइपलाइन शुरू नहीं होने से ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सरपंच को भी लोगों ने काफी खरी खोटी सुनाई। झुंझुनू के डाबड़ी धीर सिंह स्थित नई जोत बालाजी मंदिर के पुजारी परिवार के एक सदस्य की शिकायत ग्रामीणों ने मलसीसर एसडीएम से की। उनका कहना है कि मंदिर में कुछ बदमाश लोगों को रखा हुआ है, जो गांव में तेजी से गाड़ियां दौड़ाते हैं और लोगों में भय का माहौल पैदा करते हैं। जयपुर के चोमू के निवाड़ा गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नागौर के रियाबड़ी के सदर बाजार स्थित चारभुजा मंदिर में माहेश्वरी समाज की ओर से महेश जयंती पर्व मनाया गया। पंडित राधेश्याम गोड़ ने विधि विधान पूर्वक भगवान महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। नागौर के रियाबड़ी के जड़ाऊ कला गांव में सड़क किनारे लगे वाल्व किट लीक होने से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आधे गांव के घरों में लगे नलों में नहीं ये पानी आ रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रतापगढ़ में क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस के जवानों ने शहर के बाजारों में पैदल मार्च निकाला। नागौर के डीडवाना में विद्यार्थियों के लिए संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई है। इसके लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धौलपुर के सेपू थाना इलाके के पार्वती पुल के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के रियाबड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 250 लोगों का टीकाकरण किया गया। झालावाड़ के दंगीपुरा थाना क्षेत्र के छोचड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते फायरिंग हो गई। हमले में 2 घायल हो गए, जिनको मनोहर थाना के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर जिला कलेक्टर प्रयासरत हैं। वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एसडीएम घर घर जाकर गांव की महिलाओं को प्रेरित करने में जुटी है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से रन फॉर लंग्स दौड़ का आयोजन किया गया। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित दौड़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चोमू के भूतेड़ा के हनुमान मंदिर में ग्रामीणों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस अवसर पर हनुमान जी की विशेष झांकी सजाई गई। डूंगरपुर के सिंटेक्स के पास एचपी गैस एजेंसी के ऑफिस में मारपीट के मामले में पीड़ित मैनेजर ने कोतवाली थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी को परिवाद सौंपकर न्याय की मांग की। जैसलमेर के फलसोन थाना क्षेत्र के राजम थाई स्थित लोंगासर गांव में कुछ युवक खरगोश पकड़कर शिकार कर रहे थे। चाचा भतीजा ने उनका विरोध किया और शिकार नहीं करने की बात कही। नागौर के मकराना में विद्युत निगम की टीम ने बिजली चोरी पकड़ने की कार्यवाही करते हुए कुल 15 जगहों से 6,50,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख ने ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया। वहीं पेयजल की समस्या पर 15 हैंडपंप लगवाने की घोषणा भी की।
बाड़मेर की गुड़ा मालानी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुजरात की ओर जा रहे अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लकड़ी के बुरादे से भरे कट्टों के नीचे शराब बरामद हुई। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के लगातार तीसरे दिन वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से बंद रहा। जानकारी के अभाव में लोगों को सेशन सेंटर से निराश लौटना पड़ा। कोटा में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में मैराथन का आयोजन किया। एनएसयूआई की ओर से आयोजित हुई इस मैराथन को यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झालावाड़ के मनोहर थाना पंचायत समिति के एक दर्जन से अधिक सदस्यों ने प्रधान से नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार सदस्यों ने बैठक आयोजित कर क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर हैंडपंप नहीं लगाने से प्रधान के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर एडमिट मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए। उसके बाद मंदबुद्धि विद्यालय परिसर पहुंचकर विमंदित बच्चों को भी फल और बिस्किट का वितरण किया। प्रतापगढ़ में इंसिडेंट कमांडर और उपखंड मजिस्ट्रेट श्याम सुंदर चेतीवाल में सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में शामिल व्यापारियों और उनके सहयोगियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर करवाने के आदेश जारी किए। सिरोही के पर्यटन स्थल माउंट आबू के गुरु शिखर में विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया।